हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के जिले का पार्ट थ्री आपके लिए लेकर आए। इससे पहले हम भोपाल जिला और विदिशा जिला दोनों को कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, यदि आपने नहीं देखे तो यहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा उन जिलों को। और यहाँ पे हम आज के स्टूडियो में सीहोर जिले के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले, महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल जाएंगी। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो है, प्रदेश का जो पहला आवासीय खेल विद्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका राइट आंसर काल के बताना है। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे इससे वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी अपडेट मिलती भी रहती है टाइम टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बना किस तरीके आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले देंगे आपको सीहोर जिले के बारे में। देखिए, सीहोर जो जिला है भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और ये एक जिला है और इस जिले का जो मुख्यालय है वो आपका सीहोर में ही है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिले जो है, सीहोर जो जिला है ये आपका एक पुराना जिला है और जो नवाबों के समय में स्थापित है, यानी जो नवाब थे उनके समय में स्थापित हुआ था ये जिला। और ये आपका सबसे पुराना जिला है, एक पुराना जिला है ये आप कह सकते हैं। सबसे पुराना जिला ये आप नहीं कह सकते, ये आप ऐसा मान सकते हैं कि एक पुराना जिला है सीहोर। अब ये जो जिला है आपका सीहोर जिला है, शहीदों की भूमि भी रहा है और इसके साथ में इंदौर जो भोपाल राजमार्ग है यहाँ से गुजरता है। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको पता चली गई है। इसके साथ में आपको यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पे आपकी कुछ तहसीलें भी लगती है, जैसे कि आपकी बुधनी जो आता है ये आपका सीहोर के अंतर्गत आता है, उसके साथ में आपका श्यामपुर, उसके साथ में आपका इछावर, जावरा और आपका नसरुलगंज और आष्टा, ये जो है ये आपके सभी आपका यहाँ पर किसके अंतर्गत आते हैं, सीहोर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हम थोड़ी सी और इसके बारे में। तो देखिए, थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं सीहोर के बारे में। तो यहाँ पर एक क्या है, सिद्ध गणेश मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है। और इसको किसने बनवाया था, तो इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और इसका जो जीर्णोद्वार करवाया था वो पेशो बाजीराव ने करवाया था। सिद्ध गणेश मंदिर जो कि आपका गोपालपुर विदिशा सीहोर में है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, गोपालपुर सीहोर के अंतर्गत ही आता है सिद्ध गणेश मंदिर। आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सारू मारू नाम से भी फेमस जो गुफाएं यहाँ की प्रसिद्ध गुफाएं ये हैं। और यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसके अनुसार जो है अशोक जो थे उसके जो पुत्र पुत्री थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे। तो ऐसा आप मान सकते हैं, सारू मारू जो है आपकी गुफाएँ हैं और यहाँ पर एक शिलालेख भी है। इसके साथ में आगे थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देते हैं जो बार बार पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पे आपका दशहरा जो मैदान है, दशहरा वाला जो मैदान है ये आपका बहुत बड़ा फेमस है। सीहोर इंदौर रोड पर ये स्थित है आपका। और यहाँ पर जो देशभक्त थे आपके, कौन से, चैन सिंह नाम से प्रसिद्ध थे, एक युवराज थे, वो कहाँ के युवराज थे, ये आपके नरसिंहगढ़ के युवराज थे चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह। इनकी जो समाधि है और स्मारक जो है आपका कहाँ पर है, ये आपका सीहोर में ही है। तो डायरेक्टली पूछा जाता है कि चैन सिंह जो थे, कुंवर चैन सिंह, इनकी समाधि कहाँ पर है, तो इनके समाधि सीहोर में है। और ये कहाँ के जो युवराज थे, तो ये आपके नरसिंहगढ़ के युवराज थे जो कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। चीज़ें आयोग का आपको क्लियर हो गई होगी। और इनको जो है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कहा जाता है, कुंवर चैन सिंह को। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अगर बात करें हम थोड़ी सी और चीज़ें की, तो देखिए सीहोर जो था इसका पुराना जो नाम है वो क्या था, इसका पुराना नाम था सिद्धपुर और सिद्धपुर, दोनों नाम इसके पुराने हैं। और यहाँ पर एक नदी भी है सीवन, सीवन नदी के नाम पर इसका नाम जो है सीहोर पड़ा है। और ये किसके अनुसार है, ये आपके अभिलेख जो मिले उसके अनुसार ये कहा गया है कि सीवन नदी के नाम पर इसका नाम सीहोर पड़ा है। इसके साथ में यहाँ पर आपकी एक जामा मस्जिद भी है सीहोर में। और यहाँ पर एक मध्ययुगीन जैन मंदिर भी है, हनुमान फाटक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और गंगा आश्रम जो है यहाँ पर है। इसके साथ में लोतिला नदी के संगम के पास में आपके सिवान तथा ये हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी और अगर बात बताएं आपको, तो देखिए पतंजलि जो थे उनकी कर्मस्थली ये रही है सीहोर। और देश का प्रथम जो है आवासीय खेल विद्यालय यहाँ पर है। तो देश का प्रथम आवासीय खेल जो विद्यालय कहाँ पर है, ये आपका सीहोर में ही है। और इसके साथ में रेलवे के जो स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो आपका बुधनी में है, ये आपका बुधनी में है। रेलवे के जो स्लीपर बनाए जाते हैं ये आपका कारखाना कहाँ पर है, ये आपका बुधनी में है जो कि सीहोर में है। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम शहीद है वो हम आपको बता चुके हैं, 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, उनका नाम है चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह उनका नाम है, जो कि सर्वप्रथम शहीद हुए थे मध्य प्रदेश से।
ये चीज जितनी चीज़ें आपको याद रखनी है बार बार आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। हम थोड़े से और अगर आगे बढ़े तो सीहोर जो जिला है मालवा पठार के क्षेत्र के मध्य में विंध्याचल रेंज की तलहटी जो है इसमें स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, मालवा पठार में आपका स्थित है विंध्याचल रेंज में, और सीहोर एक जो है सीहोर का सबसे और लंबा और जो कि शानदार अतीत है, और सिद्धपुर सीहोर का पुराना नाम है। सिद्धपुर और सीहोर दोनों इसका पुराना नाम याद रखिएगा। और एक चट्टान के अनुसार सीवन नदी से मिला और इसका नाम जो है मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिलेख जो मिला था, चट्टान मिली थी उसके अनुसार सीवन जो नदी थी यहाँ पर उसके नाम से ही सीवा जो है सीहोर का नाम पड़ा है। आगे बढ़ेंगे थोड़े से और जो है इन्फॉर्मेशन लेकर। तो मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी जो भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील जो कि हिस्सा हुआ करता था। तो ये आपका भोपाल जो था सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था राज्य के गठन के बाद में, और कुछ टाइम बाद फिर 1972 में इसको जो है अलग जिला बनाया गया भोपाल को। देखिए 1972 में इसका विभाजन हुआ और एक नया जिला भोपाल बना। सीहोर अवंती का अभिन्न अंग भी रहा है। तो अवंती यानी उज्जैन, उज्जैन का एक अंग अभिन्न अंग भी रहा है सीहोर। और बाद में ये जो है मगध राजवंश चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक महान, राजा भोज, पेशवा प्रमुख, रानी कमलावती और भोपाल के राजवंश के नवाबों के संरक्षण में था। तो इन इनके संरक्षण में ये आपका रहा है सीहोर। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं पोज करके किन किन के जो के संरक्षण में रहा है। तो इनका संबंध जो रहा है वो आपका सीहोर से ही रहा है। अब थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैप आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके इधर भोपाल यहाँ पर लगता है, नरसिंहगढ़ इधर लगता है, और यहाँ पे आपका कातेगांव सिवनी हरदा भी यहाँ पे ये लगता है। तो आस्टा सीहोर और आपका जो क्या था यहाँ पर आपका नसरुल्लागंज, ये जो चीज़ें यहाँ पर आपके आती हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी और चीज़ें आपके लिए लेकर। तो देखिए सीहोर जो जिला है 6 तहसीलों से घिरा हुआ है। ये आपका भोपाल, रायसेन जिला और उसके साथ में आपका हुसैनाबाद, देवास जिला, शाजापुर और राजगढ़, ये जो जिले हैं इनसे आपका घिरा हुआ है सीहोर। कितनी जो 6 जिलों से ये घिरा हुआ है सीहोर जिला, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें नर्मदा नदी, पार्वती नदी, दूधी और आपकी नेवज, उसके साथ में कोलार नदी, पापनास नदी, कुलानस नदी और सीवन नदी, लोटिया नदी सीहोर जिले में बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ इसमें बहती हैं। और ये भी याद रखिएगा एक चीज़ और, आष्टा से आपकी जो नदी निकलती है कौन सी निकलती है, पार्वती जो नदी निकलती है ये आपकी आष्टा से निकलती है। इसके साथ में कोलार नदी जो निकलती है ये भी आपकी आष्टा से ही निकलती है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको याद रखना है। सीहोर जिलों को जो 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। 5 तहसीलें कौन कौन सी हैं, पहली तो आपकी सीहोरी हो जाती है, उसके साथ में दूसरी है आष्टा, तीसरी इछावर, चौथी आपकी बुजनी और पाँचवीं भी है आपके नसरुल्लागंज। तो 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है सीहोर को। सीहोर जिले की 5 तहसीलें टोटल हैं। क्लियर है चीज़ें, आई होप कि ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ देख लेते हैं हम। देखिए आपका सलकनपुर जो माता मंदिर है ये आपका सीहोर में ही है। आपका कहाँ पर है सलपन जो कि सलकनपुर जो दुर्गा मंदिर है ये किसका मंदिर है, ये आपका विजयासन माता का मंदिर है। याद रखना है आपको, पूछा जाएगा सलकनपुर जो कि सलकनपुर दुर्गा मंदिर भोपाल से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। और सलकनपुर जो गांव है, गांव में 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये आपका मंदिर स्थित है। और देवी दुर्गा बिजासन को उनके अनुयायी और उनके स्थानीय लोगों के द्वारा उच्च सम्मान पर रखा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका कहाँ पर है, सीहोर के अंतर्गत ही आता है सलकनपुर माता मंदिर। आगे बात करेंगे थोड़ी सी, तो देखिए राजधानी से 84 किलोमीटर दूरी पर सारू मारू की गुफाएं स्थित है, जो कि हम बता चुके आपको, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोस्ट टाइम पे बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं ये आपके सारू मारू की, जो कि भोपाल से 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है। और यहाँ पे सारू मारू जो है ये पूछा जाएगा सारू मारू क्या है, तो ये आपकी गुफाएं हैं। और यहाँ पर एक विशाल स्तूप और गुफाएं भी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक विशाल स्तूप भी है इसके साथ में। इसके अलावा यहाँ पर एक पेशवाकालीन गणेश मंदिर भी है, जो हम आपको बता चुके हैं, चिंतामणि गणेश, जो कि आपको कुछ टाइम पहले हमने अभी बताया था। बात करेंगे थोड़ी सी और, तो भारत में स्थित 4 स्वयंभू चिंतामन गणेश मंदिर में से एक अति प्राचीन विक्रमादित्य कालीन ऐतिहासिक श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर सीहोर में है। तो ये किसने बनवाया था, ये आपका बनवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सिद्ध गणेश मंदिर। याद रखिएगा किसके द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इसको बनवाया गया था। और पेशवा बाजीराव द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ये जो मंदिर है सीहोर के वायव्य पश्चिम उत्तर कोण में स्थित है। और ये जो कि अब शुगर जो फैक्ट्री है आपकी कहाँ पर है, ये आपकी सीहोर में है। शुगर फैक्ट्री जिसको भोपाल मिल बोला जाता है, पश्चिम में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर में आपका स्थित है।
और 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य परमार वंश राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया था। चीजें आयु के आपसों को सारी क्लियर हो रही होगी। थोड़े से और आगे बढ़े, देखिए बुधनी में रेलवे के स्लीपर बनाने का जो कारखाना है ये आपका बुधनी में है, क्लियर है। और प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है, ये आपका सीवर में, जो कि हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंटने के लिए क्वेश्चन बताया था, उसका राइट आंसर आपका ये है, कहाँ पर है, आपका सीहोर में है। सीहोर का जो पुराना नाम है आपका सिद्धपुर था, और यहाँ पर जिले में जो है रेहटी लघु वनोपज संघ की फार्मेसी विपणन केंद्र भी स्थित है, रेहटी जो है आपका जिले में है। सलकनपुर में पहाड़ी पर विजयासन माता का मंदिर है, जहाँ पर मेला भी लगता है, और आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है, और उसके साथ में एक और नदी हमने बताई थी आपको, कोलार नदी भी यहीं से निकलती है। ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र जो कि आपका बुधनी में है, जहाँ से शिवराज सिंह चौहान जिनका जन्मस्थली ये रही है, और सीहोर में कुंवर चैन सिंह की समाधि स्थित है। और ये जो कुंवर चैन सिंह है ये कहाँ के नवाब है, तो यहाँ पे या फिर आप बोल सकते हैं कहाँ के जो है युवराज थे, तो ये आपके नरसिंहगढ़ के हैं। क्लियर चीज़ें आयुब के आप सभी को ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई होगी। और अगर आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो देखिए सीहोर में जो शुगर मिल है, आपको शुगर मिल हमने आपको कुछ टाइम पहले बताया, शुगर मिल तो इसको किस नाम से जाना जाता है, भोपाल शुगर मिल के नाम से उसको जाना जाता है। कोलार नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, और कोलार जलाशय जो परियोजना है ये आपकी सीहोर में है। और यहाँ का जो गेहूँ है इनको जो विदेशों में इनका निर्यात होता है, और ये आपके किस किस्म के गेहूँ हैं, सरबती किस्म के गेहूँ हैं सीहोर में पाए जाते हैं, जो विदेशों में निर्यात होते हैं। और इसके साथ में सीहोर के जो पंकज सुधीर हैं उनके उपन्यास बहुत फेमस है, उनका उपन्यास का नाम क्या है, उनके उपन्यास का नाम है ये वो शहर तो नहीं, ये जो उपन्यास है इनका फेमस है, और उसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। एक नज़र हम बात डाल लेते हैं यहाँ पर सीहोर जो जिला है इसके पर्यटन स्थल की ओर। देखिए पर्यटन स्थल आपको एक बार और बता देते हैं हम, सलकनपुर देवी जो कि देवी का मंदिर यहाँ पर है, इसके साथ में बिजासन देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, पेशवाकालीन गणेश मंदिर भी यहाँ पर है, जिसको श्री जो है सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर चीज़ें, तो ये जो सभी स्थल है यहाँ पर इनको याद रखना आप जरूरी है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है सीहोर से बारे में आपको दे दिया। आयुब की ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।